सब्सक्राइब करें इंटरनेट जगत चैनल को और पास ही इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए लेटेस्ट डिजाइन वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल इंटर जगत में और आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटर जगत। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि बेसिन का जो काउंटर कैबिनेट होता है वो हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये बेसिक कैबिनेट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी बात आपको पूरा फाइनल वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये 19 mm प्लाई का बना हुआ है हमारा, ये सॉलिड प्लाई का बना हुआ है जो भी आप देख रहे हैं। और इन साइड में हम लोगों ने ऑफ वाइट सनमाइका का पेस्टिंग किया है। और अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो ये हमारा 24 इंच का है। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये हाइट आपको 32 इंच का टोटल हाइट देखने को मिल जाएगा। जब इसका फिनिशिंग हो जाएगा पूरा पाए लगा के तो इसको आपको 32 इंच का हाइट आपको 32 से 33 इंच का हाइट आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो साइड है लेफ्ट है पूरा ही हम लोग इसका स्ट्रक्चर जो है ये पूरा 19 mm का सॉलिड प्लाई से हम लोग बना रहे हैं। और इन साइड में हम लोगों ने ऑफ वाइट का पेस्टिंग किया है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इसका जो अगर आप फुल लेंथ इसका देखेंगे तो ये आपको पूरा 24x32 का फाइनल बन जाएगा। जब आप इसको आप पूरा फाइनल वीडियो देखेंगे तभी मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे पाया ये देख रहे हैं आप, ये पाया हमारा अभी 4 इंच का है, ये 4 इंच का स्टील का पाया है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये पूरा चारों कॉर्नर में 1-1 इंच इन साइड से ये हम लोग का बैठेगा। ये पूरा आपका 4 इंच का पाया है जैसे कि आप देख, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये स्टील का पाया हम लोग लगाएंगे। इसको लगाने से पहले हम लोग इसका जो बैक अभी बाकी है इसका बैक हम लोग 6 mm प्लाई से बनाएंगे और उसमें वाइट पेस्टिंग भी हो साथ ही साथ करके इसको फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा 6 mm का प्लाई, इसको हम लोग अभी कटिंग करके इसमें हम लोग अभी डायरेक्ट ऑफ वाइट सनमाइका को पेस्टिंग करेंगे। उसके डायरेक्ट इसमें हम लोग इसका बैक में फिक्स कर देंगे। तो इसका पूरा प्रोसेस आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसमें कुछ कुछ मैं नहीं बना पाया था, मैं साइड से निकल गया था, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस आपको ऐसा बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसको आप फुल वीडियो को देखिएगा, अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अभी हम लोग इसको फेविकॉल लगा के इसमें डायरेक्ट हम लोग बैक को ज्वाइंट करके अभी इसका बैक में हम लोग डायरेक्ट इसको ठोक देंगे। तो जैसे अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे पूरा अभी हम लोग फेविकॉल लगना स्टार्ट हो गया है, अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग का मोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी इसको हम लोग डायरेक्ट 2 मिनट के लिए रख के इसको अभी हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो इसका बैक है जहाँ पे इसका बैक हम लोग मारेंगे, इससे पहले हम लोग इसका जो बैक है इसमें हम लोग को रांधा मारना है। ये जो आप देख रहे हैं बैक साइड में कुछ कुछ जॉइंट के पास देखिए थोड़ा ऊंचा रहता है यहाँ पे जॉइंट में चारों कॉर्नर में, तो इससे पहले आपको रांधा मार लेना है। रांधा मारने से क्या होता है कि इसका जो चारों कॉर्नर का जो फेस है ये लेवल हो जाता है यहाँ पे। ये लेवल हो जाने के बाद क्या है कि बैक आपका गैप नहीं रहेगा, एकदम स्मूथनेस मतलब कॉर्नर सारा कॉर्नर एकदम जॉइंट ठीक रहेगा ताकि आपको गैप नज़र नहीं आए। तो इसके लिए आपको ये पूरा अच्छे से मारना है ताकि बैक अच्छे से बैठ पाए। तो ये पूरा रांधा मारने के बाद इसको पूरा जब कॉर्नर आपका ठीक हो जाएगा उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसमें हम लोग थोड़ा सा फेविकॉल लगा लेंगे चारों कॉर्नर। देखिए आपका ये ऐसे करके फेविकॉल आप लगा लीजिए ताकि जॉइंट अच्छा हो। उसके बाद इसमें हम लोग को 20 नंबर का जो पिन होता है, 20 नंबर का जो हेडलेस हम लोग पिन बोलते हैं कांटी बोलते हैं, आपको उसको मारना है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसको अभी हम लोग फिक्स कर लेंगे, अभी अब मैं आपको पूरा प्रोसेस इसमें दिखा दे रहा हूँ। तो ऐसे करके आप फेविकॉल लगा लीजिए, उसके बाद आप बाकी इस वीडियो में देख सकते हैं कि अभी हम लोग इसको जिस साइड में पेस्टिंग है उसको इस साइड से इन साइड में रख के इसको अभी हम लोग 17 नंबर का या फिर 20 नंबर का जो पिन होता है उसको आप आराम से यहाँ पे मार सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया, मार दिया। अब इसके बाद जो पाया लगाने का जो जगह है, पाया लगाने का जो नीचे वाला एरिया है उसको अभी हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं कि पाया हम लोग कहाँ लगाएंगे। तो ये 1 इंच का मार्जिन हम लोग छोड़ रहे हैं चारों तरफ से, और ये जो 1 इंच का मार्जिन है उसके इन साइड में हमारा पाया का जो डाया होगा, ये जो देख रहे हैं ये जो इन साइड जो डाया होगा कॉर्नर से, वहाँ पर हम लोग का ये पिलर लगेगा, स्टील का पिलर लगेगा ताकि नीचे से ज्यादा। यही तक आपको समझा पाया। इसके बाद अपने हिसाब से जो आप पल्ला वगैरह बनाते हैं वैसे आप पल्ला बना लेना है, पेस्टिंग कर लेना है। अब इसका जो टॉप में है वो आपको ग्रेनाइट या फिर मार्बल आप कुछ भी बिठा सकते हैं। तो मैं इसका फाइनल जो वीडियो हम लोग कम्प्लीट किए वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोगों ने बना के कैसा इसका आउटलुक आया है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये पाया तक लगाने का वीडियो हमने बना पाया था, इसके बाद मैं साइड से निकल चुका था कुछ काम की वजह से। तो इसके बाद का प्रोसेस आपको पता होगा कि पल्ला वगैरह बनाना है, इसके ऊपर में ग्रेनाइट पेस्टिंग करना है।
वहाँ तक इस वीडियो को बना पाया था, लेकिन फाइनल होने के बाद मैं इसका आउटलुक आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये काउंटर टॉप बेसिन है, इसमें हम लोगों ने मार्बल फिनिश का ये बेसिन लगाया है, और इसका जो आप फिनिशिंग देख रहे हैं, टॉप जो है ये मार्बल है, वाइट मार्बल है, प्योर वाइट मार्बल। इसको बहुत लोग क्वार्ट्ज बोलते हैं, A4 बोलते हैं, तो उसी कैटेगरी का ये मार्बल है। और यहाँ पे देखिए आप, दो पल्ले का आपको यहाँ पे ये मिल रहा है, ये पेस्टिंग किया हुआ है डार्क कलर से ये पूरा ही। तो मैं आपको वहाँ तक वीडियो दिखाया था, लेकिन पेस्टिंग का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन इसका जो टॉप देख रहे हैं आप, ये पूरा ही वाइट के ऊपर में हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। ये पूरा आपका इसका जो कॉस्ट है ये 350 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में आता है ये मार्बल। और ये अगर बेसिन की प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 4-5,000 में ऐसे बेसिन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं इसका पल्ले के अंदर की बात करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे ऑफ वाइट के ऊपर में ही हम लोगों ने यहाँ पे सेल्फ रखा है, मतलब रैक किया है अंदर में, ताकि आप बेसिन का यूज़ का जो सामान वगैरह है आप अंदर में स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोलिक कब्जा दिया है, जो कि नॉर्मल हम लोग हर कैबिनेट में हम लोग हाइड्रोलिक यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।